सच में ये वाली सुपर पावर फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। अब टाइम है फाइनल कलर ट्राई करने की। ये क्या है? आई वंडर कि इसका क्या मीनिंग है। जिया तेरी लार टपक रही है। नॉट एट ऑल। वैसे भी जैक्सन मुझसे प्यार करता है, वो सिर्फ दिखाता नहीं है। हे जिया। जैक्सन तुमने कुछ सुना तो नहीं मैंने अभी क्या बोला? नहीं बट मैं तुम्हें बोला। आई मीन लव विद यू। यू लव मी? ये बहुत ही कूल है। कूल? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सो मैं उसके सामने बहुत ही कॉन्फिडेंट थी ना? यस ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपने आपको थप्पड़ मार। 3 2 1 ओ माय गुडनेस, दैट मींस मैं जो कुछ भी बोलूंगी वो सच हो जाएगी। जैक्सन मुझसे प्यार करता है बट वो नहीं करता, बट वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता। ये पावर खत्म भी हो जाएगी और जैक्सन मुझे भूल भी जाएगा। यू कैसे आया? वो बच जाए। जिया। प्रिंसिपल मॉर्गेटा। रिया बता रही थी कि तुम आज कुछ अजीब बिहेव कर रही हो, सो मैं तुम्हारे ऊपर फिर से नजरदारी करूंगा। व्हाट? बट आपने कहा था आप मुझे माफ कर दोगे और आपने बोला था कि आप मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी भी दोगे, जैसे कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है। क्या? मैंने ये सब बोला था? ओ हाँ, 3 दिन का छुट्टी पक्का और मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। Really? How sweet of you, sir. सब बिना गुस्सा हुए मान गए? How? हेलो डियर, तुम जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे ग्रैनी। क्या हुआ ग्रैनी को? वो अचानक बहुत बीमार हो गए हैं। बीमार हो गए? लेकिन शिट, ये तो मेरी वजह से हुआ है। हाँ मम, मैं अभी आ रही हूँ। मॉम कहाँ है ग्रैनी? अंदर है, डॉक्टर बोल रहे हैं उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। जल्दी अंदर चलिए, मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ। ग्रैनी को मैं ठीक कर दूंगी। हाँ। आयुष की कोई मिराकल हो जाए और मेरी ग्रैनी सुपर हेल्दी हो जाए। प्लीज कम करना। डियर आई नो तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो, पर ऐसे पागलों की तरह हरकतें मत करो, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। लवली माय प्यारी पुती, तुम आ गई। देखो मैं बिल्कुल गाजर की तरह फिट एंड फाइन हो गई हूँ। तुम दोनों फिकर मत करो, मैं इतनी जल्दी स्पेस की टिकट नहीं बुक करूंगी। सच में आपकी बातों से ही पता चल रही है आप बिल्कुल गाजर की तरह फिट हो गए हो। डियर तुम्हारी ग्रैनी गाजर में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए? एक सेकेंड, क्या उन्होंने तुम्हें वो सुपर मैजिक जेम्स दिया था? वेट, आपको इसके बारे में पता है? मेरे सवाल का जवाब दो। मे बी। ओ नो, उनको जल्दी नॉर्मल करो। ग्रैंडमा फिर से नॉर्मल हो जाएगी। मम्मी मैंने कहा था ना सालों पहले इन कैंडीज को दूर कहीं फेंक देने को। अरे अब बस भी करो, मेरी पोती भी तो डिजर्व करती है जैसे हमने तब मजे किए थे। मम्मी आपको लगता है वो सब फन था? वेल क्लियरली आप भूल चुकी हो कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था और हमने क्यों डिसाइड किया था कि इससे छुटकारा पाना ही अच्छा होगा। या नहीं, ये सिर्फ एक मिस्टेक था, हमें अपने आप को कोसना बंद करना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि जिया भी इन कैंडीज को खा के सेम मिस्टेक करने वाली है? अभी तो उसने आपको गाजर बना दिया था। रिलैक्स मैं ठीक हूं। वो कैंडी ग्रैनी को लौटा दो और कभी दोबारा यूज मत करना, सुना तुमने? फाइन, थैंक्स ग्रैनी एंड सॉरी। मॉम क्या हुआ? मैंने वो कैंडी यूज किया तो आप इतना क्यों डर रही हो? एक दिन तुम्हारे नाना नानी और मैं पिंक कैंडी के साथ मजे कर रहे थे। पिंक? लेकिन ये कहा तो उसमें नहीं था। कैसे रहेगा, वो पिंक कैंडी से तुम शेप शिफ्ट कर सकते हो। हमने डिसाइड किया था कि टॉयज को बुक के अंदर शेप शिफ्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारे नानो ने ये खुद के ऊपर ट्राई किया और पेंटिंग में शेप शिफ्ट हो गए और उसके बाद ही पावर भी खत्म हो गई थी और तब से तुम्हारे नानो उस पेंटिंग में कैद हो गए। पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? कहाँ है वो पेंटिंग? ग्रैनी के रूम के बगल में। व्हाट? वो मेरे ग्रैंडपा है? यस। क्या कोई रास्ता नहीं उनको वापस पेंटिंग से निकलने की? तुम उस कैंडी की पावर को क्रैक नहीं कर सकती। हमने सब कुछ करके देख लिया है, इट्स इम्पॉसिबल। नहीं मैं तो हार नहीं मानूंगी। सॉरी मॉम, वैसे टाइम ट्रैवल की पावर को मैंने तब ढंग से यूज नहीं किया था, सो लेट्स ट्राई। क्या पता मैं पास्ट में जाके अपने ग्रैंडपा को उस पेंटिंग में जाने से रोक सकूं, तो फिर तो ये ब्लू कैंडी उड़ती होगा। ये मैं कहां पे हूं? ये फ्लावर वेस, ये तो ग्रैनी की फेवरेट है। यस दैट मींस मैं ग्रैनी के घर पे आ गई हूँ। नानू को ढूंढना होगा। ये ऑरेंज वाला तो तुम्हारी मम्मी को रोज खाना चाहिए, है ना मिया बेटा? तुम दोनों बाप बेटी क्या बोलना चाहते हो, मैं कछुए की तरह काम करती हूँ। गुस्सा मत करो। सच में सब लोग कितने खुश हैं, सच ए क्यूट फैमिली। चलो अब ये पिंक वाली ट्राई करते हैं। दिस इज माय फेवरेट कलर। ओह नो, पिंक कैंडी, द डेंजर। कौन हो तुम? Please don't eat this. क्यों नहीं? और तुम घर में घुसी कैसे? ग्रैंडपा मैं आपको कैसे बताऊं? मैं आपकी फ्यूचर पोती हूँ।
आप प्लीज ये कैंडी मत खाइए, इससे पेंटिंग में कैद हो जाओगे। प्लीज ट्रस्ट मी। फ्यूचर पोते, ग्रैंडपा, ये लड़की क्या बोल रही है? मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ, मैं यह फ्यूचर से सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। बंद करो अपना ये बकवास, मैं ये खाऊंगा वो भी तुम्हारे सामने। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। ये गया मेरे मुँह में। आप ऐसे नहीं मानोगे। नो, मैंने जस्ट ये निकाल लिया। ये कैसे बिहेवियर है? और क्या हुआ?